प्रदेश के बुलंदशहर में गुरुवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला का शव उसके ही घर में लहूलुहान अवस्था में पाया गया। जानकारी के अनुसार अगौता थाना क्षेत्र स्थित अकबरपुर ग्राम निवासी 62 वर्षीय बीडीसी सदस्य महिला सतवीरी का उनके ही घर में गुरुवार देर रात लहूलुहान अवस्था में शव बरामद हुआ। सतवीरी के पति की माने तो वो गुरुवार देर रात एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। जब वो शादी समारोह से घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि पत्नी का शव लहूलुहान अवस्था में जमीन पर पड़ा था, जिसे देखकर पहले तो वो काफी घबरा गए। हालांकि उसके बाद उन्होंने पूरी जानकारी अपने पड़ोसियों को दी तो मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। वहीं जब पुलिस को बीडीसी सदस्य महिला की हत्या की खबर मिली तो पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर जिले के कप्तान से लेकर तमाम अधिकारी पहुंच गए और हत्या का कारण पता करने में जुट गए। एसएसपी श्लोक कुमार के अनुसार शव को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सिर पर किसी ने जोरदार हमला कर हत्या की हो। थाना अगौता में आज प्रातः ये सूचना मिली थी कि एक महिला जिनका नाम सतवीरी है, लगभग 62 वर्ष उनकी उम्र है और वो बीडीसी सदस्य हैं अगौता ब्लॉक से, उनकी डेड बॉडी उनके घर पे प्रथम तल पर उनके कमरे में मिली थी। प्रथम दृष्टया देखने पर सर पर चोटों के कारण मृत्यु होना पाया गया था। इस घटना के अनावरण के लिए थाना अगौता स्वॉट और बीबी नगर की टीम को लगाया गया था। इन तीनों टीमों द्वारा अथक प्रयास करते हुए इस घटना का अनावरण किया गया है। घटना मृतका के पति के जो छोटे भाई हैं उसके लड़के ने करी है, जिसका कि नाम सागर है। सागर की उम्र लगभग 22 वर्ष के करीब है और ये अपने इसकी एक गर्लफ्रेंड थी और इसके कुछ ऐसे इसका चाल चलन ऐसा था, काफ़ी खर्चे थे उसको लेकर के, इसको पैसों की ज़रूरत थी और इसे मालूम था कि बीती रात को इसके ताऊ एक शादी में गए हुए हैं और घर पे सिर्फ इसकी ताई हैं। ये छत के रास्ते घर में घुसा और इसने अपनी ताई के सर पर एक हथौड़े से प्रहार किया और ताई इसकी जो एक गले में चेन पहनी हुई थी, एक अंगूठी पहनी हुई थी और कान की बाली, ये वहाँ से चुरा कर ले गया। घटना में प्रयुक्त हथियार जो हथौड़ा था वो इसके पास से बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ मृतका के जो गहने थे वो भी इसकी निशानदेही पर बरामद कर लिए गए हैं। इसके कपड़े जो कि इसने पहन रखे थे जिसपे कि खून के ट्रेसेस पाए गए हैं वो भी इसके पास से बरामद कर लिया गया है। पूछताछ करते हुए इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। Hi, this is Vidya Balan and you're watching Exposed India. We'll be right back.